चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गिलगित बाल्टिस्तान। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इस क्षेत्र को लेके भारत का क्या पक्ष है, इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दे क्या हैं, गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति क्या रही है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। इस घोषणा का भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में विरोध किया। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के तहत सरकार के पास ऐसा कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है जिससे वह इस क्षेत्र को अंतरिम प्रांत का दर्जा दे सके। इससे पाकिस्तान सरकार द्वारा गलत ढंग से अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के बाद यहां चुनाव का ऐलान किया गया है। पीटीआई के मंत्रियों द्वारा क्षेत्र में राजनीतिक अभियान चलाने पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी सामने आया है। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, अब हम देखेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने किसी भी क्षेत्र की स्थिति बदलने की पाकिस्तान की कोशिश को खारिज करता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र हमारा अभिन्न अंग है और रहेंगे। इनमें गुलाम कश्मीर भी शामिल है। अवैध तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर पाकिस्तान सरकार का कोई अधिकार नहीं है। इन इलाकों की स्थिति बदलने से बेहतर है कि पाकिस्तान तत्काल अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों से बाहर निकल जाए। सन 1947 में जम्मू और कश्मीर के भारत संघ में शामिल होने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान का समूचा क्षेत्र कानूनी रूप से भारत के अभिन्न अंग है। यहाँ से संबंधित मुद्दे क्या हैं? इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्षेत्र में चुनाव कराने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान की ओर से इस क्षेत्र में की गई छेड़छाड़ की कोशिशें वहां 7 दशकों से अधिक समय से रह रहे लोगों को आजादी से वंचित कर सकती है। पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को सेना देश का 5वां राज्य बनाने पर काम कर रही है। वहां बाहरी लोगों को बसाकर जनसंख्या का अनुपात बदला जा रहा है। अब एक नजर गिलगित बाल्टिस्तान पर। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पश्चिमी सिरे पर गिलगित और इसके दक्षिण में बाल्टिस्तान स्थित है। यह इलाका 4 नवंबर 1947 के बाद से ही पाकिस्तान के प्रशासन में है। भारत की आजादी से पहले गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था, लेकिन इस इलाके को अंग्रेजों ने वहां के महाराज से साल 1846 से लीज पर ले रखा था। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो इसे जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह को वापस कर दिया गया। 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया तो 31 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन यहाँ मौजूद अंग्रेज फौजी अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ गिलगित बाल्टिस्तान को मिलाने का समझौता कर लिया। आज का प्रश्न है, गिलगित बाल्टिस्तान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पश्चिमी सिरे पर गिलगित और इसके दक्षिण में बाल्टिस्तान स्थित है। कथन दो, भारत की आजादी से पहले गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था। उपरोक्त में से सत्य कथन है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा।
पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है विकल्प डी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।